हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ डमी आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है दैट इज द एम एस वर्ड जो हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में वो थेरी था आज उसी पे हम एम सी क्यूज डिस्कस करेंगे ये हमारा लेक्चर ट्वेंटी रहेगा तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बहुत कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए चाहे नेट दे रहे हैं सेट हर चीज के लिए तो आप ना स्टार्ट करते हैं आपका पहला हमारा जो है वो किसने किया किया था कब आंसर है दैट इज द माइक्रोसॉफ्ट आई एन सी नाइनटीन हंड्रेड एटीज में सेकेंड ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है बेसिक सॉफ्टवेयर ऑफ एम एस वर्ड एमएस वर्ड का बेसिक सॉफ्टवेयर क्या है एम एस ऑफिस का अब देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना यहाँ एम एस ऑफिस की बात हैं। ऑफिस में यहाँ एमएस वर्ड भी आता है पावर पॉइंट भी आता है एक्सेल भी आता है एक्सेस भी तो ऑल ऑफ द ये ऑफिस की बात चल रही है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज इज वर्ड वर्ड क्या है क्या ये टिब्यूलर डेटा फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर है क्या ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर या ईमेल क्लाइंट तो ऑब्वियसली ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है तो आपका करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन टू ये आएगा इसका आपका करेक्ट आंसर तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सॉफ्ट एम एस वर्ड अगैन ये एस बी आई कलर टू थाउजेंड फिफ्टीन में ये क्वेश्चन पूछा गया था ये क्या है कैलकुलेटिंग टूल नहीं प्लानिंग टूल नहीं चार्ट नहीं नेटवर्किंग टूल नहीं इट्स अ डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल येस इससे हम अपने डॉक्यूमेंट्स टाइप करते हैं तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा फिफ्थ वाला ये क्वेश्चन सेम इसी लिए है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अगर किस तरह के ऑप्शन आए आपको कौन सा चूज़ करना है एम एस वर्ड इज़ एन एगेन वही क्वेश्चन एम एस ऑफिस वर्ड इज़ एन ये क्या है पहला देखेंगे एरिया इन द कंप्यूटर्स मेमोरी इन विच माइक्रोसॉफ्ट टेक्स्ट आर स्टोर टेम्पररी नहीं इसमें तो टेम्पररी स्टोर नहीं होते सेकंड देखिए प्रोग्राम्स इंक्लूडेड विद विंडोज 2000 दैट कैन बी यूज्ड ओनली टू क्रिएट आर एडिट टेक्स्ट फाइल्स स्मॉलर देन 64 के ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ए प्रोग्राम विच हेल्प टू क्रिएट रिटर्न डॉक्यूमेंट्स एंड लेट यू टू गो बैक एंड मेक करेक्शन ईजी तो कौन सा हमारा प्रोग्राम है जिसमें आराम से हम कोई करेक्शन वगैरह बना सकते हैं निकाल सकते हैं सब कुछ तो वो हमारा वर्ड प्रोसेसर्स ही होते हैं इसमें हम कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का काम कर सकते हैं ईजीली तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए वर्ड प्रोसेसर वुड बी यूज बेस्ट टू हमारा वर्ड प्रोसेसर बेस्ट किस चीज के लिए यूज होता है ये आई बी पी एस क्लर्क टू थाउजेंड अलेवन में पूछा गया था पहला टू तो ड्राई पिक्चर नहीं पिक्चर के लिए यूज नहीं करते डायग्राम के लिए नहीं टाइप ए स्टोरी हाँ कोई भी स्टोरी लिख सकते हैं दैट इज द थर्ड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट बनाया था और इम्बैड किया था विंडोज में वेब डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है तो ऑब्वियसली ये हमारा जो आएगा करेक्ट दैट इज ऑल्सो द एम एस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ने एमएस वर्ड बनाया था यही एक प्रोग्राम है तो ये भी आपको आर बी आई ग्रेड टू में पूछा गया था यू कैन स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाई यूजिंग विच बटन कौन सा बटन यूज करने के बाद हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर सकते हैं स्टार्ट कर सकते हैं तो ऑब्वियसली ये थे बढ़ा चुकी हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जब हम एम एस वर्ड स्टार्ट करते हैं तो पहले बाई डिफॉल्ट हमारे डॉक्यूमेंट का नाम वहां से क्या आता है स्टार्टिंग जब हमने सेव नहीं किया होता है तो डॉक्यूमेंट आता है डॉक वन डॉक्यूमेंट वन या वर्क बुक तो हमेशा बाई डिफॉल्ट नाम जो आता है वो रहता है डॉक्यूमेंट वन तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाय डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या है फाइल एक्सटेंशन का मतलब होता है जब नाम देते हैं सपोज ए बी सी उसके पीछे होता है डॉट डॉट सी ओ एम एफ आई टी एनी थिंग कुछ भी टी एक्स टी तो करेक्ट और क्या रहता है वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए तो वो हमेशा डी ओ सी रहता है मतलब ए बी सी डॉट डी ओ सी कुछ भी नाम रखो उसका फाइल एक्सटेंशन बाई डिफॉल्ट होता है अनदर हम बोलेंगे कि पहला एम एस वर्ड में पहला बार कौन सा बार है मेन्यू बार है स्टेटस बार है टाइटल बार या फॉर्मेटिंग बार ये हम आरिटी इससे पहले थ्री थ्री पार्ट में पढ़ चुके हैं तो सबसे पहला बार जो होता है वो रहता है टाइटल बार जिसमें आपको बताया जाता है कि आप किस डॉक्यूमेंट पे काम करें नेम डिस्प्ले होता है नेक्स्ट uh, क्वेश्चन हमारा जो है एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट दैट मतलब क्या होता है सेविंग इट नहीं बिल्कुल एडिटिंग का मतलब सेव नहीं होता प्रिंटिंग इट नहीं स्कैनिंग इट नहीं करेक्टिंग इट यस एडिटिंग का मतलब होता है करेक्ट करना कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एडिट करके हम उसको चेंज कर सकते हैं राइट आंसर विल बी द करेक्टिंग इट अगला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं अगर हम कोई भी कमांड्स यूज कर रहे हैं उन कमांड्स के अंदर अगर और सब सेट ऑफ कमांड्स हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं उस सब में उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं डायलॉग बॉक्स बोलते हैं सब मेन्यू बोलते हैं डायलॉग बॉक्स नहीं बोलते डायलॉग बॉक्स से हमें कोई भी मैसेज वहां से डिस्प्ले होती है उसको बोलते हैं सब मेन्यू ये मेन्यू के अंदर एक और ऑप्शनस होती हैं अनदर क्वेश्चन आपका जो है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये एक वर्ड um, प्रोसेसर है जो डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने तो स्पेलिंग चेक जो है ये फीचर किस वाले टैब में होता है फाइल में होम में इंसर्ट में रिव्यू में या रेफरेंस में तो स्पेलिंग चेक हमेशा हमारा कौन से टैब में रहेगा दैट विल बी द रिव्यू टैब तो करेक्ट आंसर आपका रिव्यू अगला क्वेश्चन हमारा है वर्ड जो है इसमें हमें बताना है कि वर्ड के रिलेट कौन सा ऑप्शन नहीं है पेज प्रेजेंट है? Yes, है, 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 है लेकिन का ऑप्शन में नहीं होता है तो यहाँ पे कौन सा रिलेट नहीं है एंटीवायरस तो करेक्ट ऑप्शन सेकेंड ये आई बी पी एस पीओ टू थाउजेंड सिक्सटीन के पेपर में आया था नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं हमें अगर अपने सेंटेंस में कोई भी फॉन्ट चेंज करना है फॉन्ट मतलब इसका साइज चेंज करना है एट नाइन टेन कोई भी तो वो कैसे कर सकते हैं चेंज पहला ऑप्शन सिलेक्ट फॉन्ट इन द फॉर्मेट मेन्यू तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि हमेशा फॉर्मेट मेन्यू से ही हम अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हैं तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन वन तो ये आई बी पी एस क्लर्क टू थाउजेंड अलेवन में आया था पूछा गया था ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है हमारा कंप्यूटर यूजर जो है अगर उसको अपीरियंस चेंज करनी है तो वो क्या करेगी तो चेंज करने के लिए कौन सी चीज जरूरत जरूरत हमें पड़ेगी पहला है edit, तो पहला है एडिट तो यस ही ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि एडिट से बाद, बाद हम कोई भी इसमें चेंज ला सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिप्लेस ऑप्शन जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है फाइल मेन्यू में प्रेजेंट होता है एडिट मेन्यू में इंसर्ट मेन्यू में View menu में या फॉर्मेट मेन्यू में ये पांच ऑप्शंस जो हैं हमें देखना है इसमें रिप्लेस ऑप्शन पे प्रेजेंट है तो ये हमेशा एडिट मेन्यू में प्रेजेंट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज इज ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन ऑप्शन एडिट इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एडिट मेन्यू में प्रेजेंट नहीं होता कट एडिट मेन्यू में है कॉपी भी एडिट मेन्यू में है पेस्ट भी एडिट मेन्यू में है पेज सेटअप जो है ये ऑप्शन एडिट मेन्यू में प्रेजेंट नहीं होता है दैट मीन करेक्ट आंसर विल बी द पेज सेटअप नेक्स्ट क्वेश्चन बार इज लोकेटेड बिलो टाइटल बार हमारे टाइटल बार के नीचे कौन सा बार है जो प्रेजेंट होता है सबसे स्टार्टिंग पे मैंने बोला है टाइटल बार ऊपर होता है जहां पे पे लिखा होता है आपके डॉक्यूमेंट का नाम उसके नीचे मीनू बार होता है <coughs> तो करेक्ट इज मीन्यू बार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज वो प्रोसेस जिसे हम चेंज करते हैं किसी डॉक्यूमेंट में उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं तो दैट इज एडिटिंग एडिटिंग वो प्रोसेस है अगला क्वेश्चन है एडिटिंग टूल्स ज्यादातर कौन से मेन्यू में पाए जाते हैं फाइल मेन्यू में नहीं फॉर्मेट में बिल्कुल नहीं एडिट में यस yes. एडिट में ही सारे एडिटिंग टूल पाए जाते हैं तो करेक्ट ऑप्शन जो आपका रहेगा दैट विल बी द पार्ट थ्री दैट्स एडिट नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना दैट इज अगर हमें कोई लाइन है कोई सेंटेंस है हम उसके स्टार्ट पे जाना चाहते हैं तो किस से जाएंगे पेज आपसे नहीं ए नहीं होम यस yes. अगर हम होम को क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली हम पहले अपने लाइन के पहले स्टार्ट पे आ जाते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना दैट इज ए हम कौन से मेन्यू में कमांड डॉक्यूमेंट देखेंगे वी विल फाइंड द कमांड डॉक्यूमेंट तो ये कौन से इसमें पाया जाता है फाइल में देखेंगे तो नहीं इंसर्ट में भी बिल्कुल नहीं टूल्स में इसमें भी नहीं होता है डेटा डेटा का जो मेन्यू है उसी में हमारा कमांड डॉक्यूमेंट पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा स्टाइल जो है वो फॉन्ट स्टाइल नहीं बोल्ड यस इससे बोल्ड हो जाता है italic, italic इसे छोटा लिखा जाता है है बिल्कुल ये भी एक स्टाइल रेगुलर हो गया नॉर्मल रोमैन स्टाइल वो भी ठीक है बोल्ड इटालिक ये भी बिल्कुल सबस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट का मतलब जो नीचे हम लिखते हैं जैसे रेस टू द पावर ऐसी तरह सबस्क्रिप्ट ये नहीं होता अनदर पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप जो है ये क्या है पेज ऑरियंटेशन है यस yes, पेज ऑरियंटेशन है कि आप पोर्ट्रेट पे करना चाहो या लैंडस्केप पे करना चाहो तो आपका करेक्ट आंसर जो रहेगा क्वेश्चन देखते हैं on हम कैसे किसी पैराग्राफ को एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं तो ऑब्वियसली एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए हम उस डॉक्यूमेंट को पहले कट करेंगे और फिर दूसरी जगह पे पेस्ट कर लेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा अगर हम अपने आ, टेक्स्ट को मूव करना अगला क्वेश्चन हमारा है द द फॉलोइंग बटन फॉर चेंजिंग स्टाइल अलाइनमेंट एंड साइज स्टाइल अलाइनमेंट साइज चेंज करने में हमें कौन सी चीज इनमें से मदद करती है पहला स्टैंडर्ड टूल बार नहीं स्टेटस बार भी नहीं ड्राइंग टूल बार भी नहीं तो लास्ट वन दैट इज फॉर्मेटिंग टूल बार ये मदद करता है स्टाइल साइज चेंज करने में करेक्ट आंसर इज फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हमें इनमें से कौन सा ऑप्शन चाहिए पहला हमारा है प्रिंटर तो डॉक्यूमेंट को हमेशा हम प्रिंट कैसे करते हैं प्रिंटर की वजह से हमें इनमें से प्रिंटर चाहिए हम प्रिंटर में अपना डॉक्यूमेंट डालेंगे पेपर डालेंगे और प्रिंट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है जो पॉइंट ब्लिंक करता है और आपको पोजीशन बताता है कि आप टेक्स्ट कहाँ लिख रहे हो उसको क्या बोलते हैं पहला ऑप्शन इज कर्सर तो ये कर्सर बोलते हैं ये मैं पढ़ा चुकी हूँ जो ब्लिंक करता है और आपको बताता है कि आप कौन सा वर्ड लिख रहे हो किस पोजीशन पे आपका कर्सर प्लेस है ये एक लाइन जैसी होती है ब्लिंक करती रहती है अगला क्वेश्चन जो हमारा है आफ्टर सेलेक्टिंग द रिप्लेस ऑप्शन फ्रॉम एडिट मेन्यू फ़ाइल फॉलोइंग डायलॉग बॉक्स विल बी अपेयर जब हम रिप्लेस को क्लिक uh, करते हैं उसके बाद कौन सा डायलॉग बॉक्स अपेयर होता है तो उस टाइम डायलॉग बॉक्स जो अपेयर होता है उसमें लिखा होता है फाइंड एंड रिप्लेस तो करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड वन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है हमारा इनमें से कौन सा ऐसा है किस को अप्लाई करके हम अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं मतलब हम मार्जिन सेम रखेंगे राइट लेफ्ट right, नहीं बराबर एक ही साइड पे दैट इज राइट पे राइट right से तो राइट right हो जाएगा जस्टिफाई से क्या हो जाएगा टेक्स्ट हमारा बराबर सेम पोजिशन में रहता है अनदर क्वेश्चन जो है ऑटो टेक्स्ट जो है इट कैन बी यूज टू इंसर्ट क्या इंसर्ट करते हैं हम ऑटो ऑटोटेक्ट से क्या हम टेक्स्ट में यूज करते हैं येस yes, ग्राफिक्स में यूज करते हैं येस yes, दोनों में यूज कर सकते हैं दैट मीन्स बोथ वन एंड टू तो करेक्शन करेक्ट ऑप्शन विल बी द फोर्थ ये आर ग्रेड में पूछा गया था क्वेश्चन अनदर क्वेश्चन जो हमारा है अबाउट मार्जन्स मार्जन्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है पहला क्वेश्चन है ऑल सेक्शन इन ए डॉक्यूमेंट नीड टू हैव सेम मार्जिन हमारे सेक्शन जितने भी हैं डॉक्यूमेंट में सबके सेम मार्जन्स होने चाहिए नो no, जरूरी नहीं है तो सेकेंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं डिफरेंट सेक्शन कैन हैव डिफरेंट तो यस करेक्ट इज ये वाला डिफरेंट सेक्शन uh, को हम अलग तरह से मार्जिन एडजस्ट कर सकते हैं अनदर क्वेश्चन हम जब अपने टेक्स्ट में काम कर रहे होते हैं तो एंटर की यूजुअली हम कब प्रेस करते हैं नंबर फर्स्ट क्या जब लाइन कंप्लीट होती है तब तो येस yes, इसका पहला आंसर ही करेक्ट है क्योंकि जब लाइन खत्म होती है एंटर की प्रेस करने से हम सेकंड लाइन में आ जाते हैं ये भी पूछा गया था आई बी और क्लर्क में अनदर क्वेश्चन जो है अगर हमें आ, डिलीट करना है कोई सेंटेंस डॉक्यूमेंट से तो हम कैसे डिलीट करेंगे पहला हाईलाइट एंड कॉपी नहीं इससे डिलीट नहीं होगा कट एंड पेस्ट नहीं इससे एक जगह कट होकर दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगा तीसरा कॉपी एंड पेस्ट बिल्कुल भी नहीं फोर्थ हाईलाइट एंड डिलीट पहले हम हाईलाइट करेंगे सिलेक्ट करेंगे उसको हाईलाइट बोलते हैं और उसके बाद डिलीट करेंगे तो वो पूरा डिलीट हो जाएगा

एड करते हैं तो इसमें हमारा जो होता है वो होता है बाय यूजिंग द इंसर्ट या सेक्शन तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो आपका रहेगा दैट विल बी द ऑप्शन थ्री अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हॉरिजेंटल स्प्लिट बार जो है वो एम एस वर्ड की स्क्रीन पे हमें कहाँ देखने को मिलता है तो जो हॉरीजेंटल uh, बार uh, होता है स्प्लिट बार वो किस साइड आपके वर्ड स्क्रीन पे होगा वो टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रोल बार पे होगा तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एम एस वर्ड में बाई डिफॉल्ट पैराग्राफ का अलाइनमेंट क्या होता है जब हम स्टार्ट करते हैं लिखना एमएस वर्ड में तो क्या राइट right से लिखा जाता है लेफ्ट पे सेंटर पे नहीं बाय डिफॉल्ट हमेशा लेफ्ट पे लिखा जाता है फिर आप अपनी मर्जी से सेंटर या जस्टिफाई कर सकते हो तो करेक्ट आंसर इज लेफ्ट अलाइन्ड नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ एम एस वर्ड स्क्रीन इनमें से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है किस पे रूलर पे एम एस ये सिर्फ हम एमएस वर्ड की बात कर रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता है दैट विल बी देंटर इंटेंट अगला क्वेश्चन जब हम अपनी फाइल को सेव करते हैं उसके बाद हमें आगे कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो आप ये ट्राई कीजिएगा जब हम सेव करते हैं तो हमेशा वहाँ आता है सेव एज ए फाइल ये डायलॉग बॉक्स आता है डायलॉग बॉक्स मतलब एक बॉक्स जिसमें ये मैसेज लिखी रहती है करेक्ट आंसर इज फर्स्ट अगला क्वेश्चन अपना जो है आप कितने तरह से अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो पहला ही तरीका फाइल में जाओगे सेव एस पे क्लिक करोगे सेव हो गया सेकेंड वे कंट्रोल एस तो सेव हो गया थर्ड वे ऊपर ही टूल बार में जाके सेव का ऑप्शन दिया गया होता है आइकन बनाया उस पर आप क्लिक करके सेव कर सकते हो दैट मीन कितने तरीके आ गए थ्री वेज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा जो वर्ड है एम एस वर्ड जो है उसमें क्या रहता है प्री डिफाइंड टाइपिंग स्पेलिंग ग्रामर एरर्स तो ये हम किस तरह से ये खुद डिटेक्ट और करेक्ट करता है जब हम फोन में भी लिखते हैं कोई वर्ड टी एच ए तो वो खुद ही टी एच ई दा कर देता है वो होता है ऑटो करेक्ट की मदद से नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं हेडर कहाँ पे प्रेजेंट होता है तो हेडर हेडर का मतलब ही हो गया ऊपर दैट मीन्स हेडर हमेशा हमारे टॉप पे प्रेजेंट होता है जो बॉटम होता है उस पर क्या प्रेजेंट होगा हमारा फुटर प्रेजेंट होगा तो दैट मीन्स यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा ऑप्शन वन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर कट कमांड अगर हमें कट करना है कीबोर्ड से शॉर्टकट लगाना है तो उसके लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी द आपका करेक्ट uh, ऑप्शन जो कीबोर्ड से आप यूज करोगे दैट विल बी द कंट्रोल प्लस एक्स आप जब ये दबाओगे तो कट हो जाएगा आपका सेलेक्टेड पोर्शन अगला क्वेश्चन हमारा जो है लाइन स्पेसिंग लाइन स्पेसिंग दो सेंटेंस uh, की बिटवीन जो लाइन है उसकी स्पेस को इंक्रीज करने के लिए हम शॉर्टकट की कौन यूज करते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस फाइव जब आप ये क्लिक करोगे लाइन स्पेसिंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है और नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्टकट फॉर डिस्प्लेइंग द फुल पेज हम कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं फुल पेज को डिस्प्ले करने के लिए जब हमें उनको प्रिंट करना होता है तो हमेशा शॉर्टकट यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस एफ टू जब हम इसको क्लिक करेंगे तो फुल पेज डिस्प्ले हो जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब बढ़ते हैं हम शॉर्टकट की एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कौन सी है तो जब भी हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करें सीधा अगर हमें कीबोर्ड पे आ, कोई शॉर्टकट की यूज करनी है तो कंट्रोल प्लस पी कंट्रोल पी का मतलब होता है प्रिंट ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा अगला क्वेश्चन टू मूव टू द बॉटम ऑफ ए डॉक्यूमेंट जब हम एम एस वर्ड पे काम कर रहे हैं हमें अपने डॉक्यूमेंट के बॉटम पे जाना है तो कौन सी कमांड हम उस टाइम यूज करेंगे अगर वर्ड के वर्ड के डॉक्यूमेंट के बॉटम पे जाना है तब हम कंट्रोल प्लस पेज डाउन की अगर क्लिक करेंगे तो हम बिल्कुल बॉटम पे पहुंच जाएंगे पेज के तो अगला क्वेश्चन हमारा है अगर हम जो वर्क हमने किया है काम और उसको हम वापस लाना चाहते हैं अंडू करना चाहते हैं जो चेंज हमने बनाई तो उसके लिए हमें कौन सी की चाहिए शॉर्टकट की दैट इज कंट्रोल प्लस जेड अगर कंट्रोल प्लस जेड को क्लिक करते हैं जो इससे पहले काम किया था वो हमें वापस आ जाता है तो आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है शॉर्टकट की जो हम लास्ट लाइन पे अगर जाना चाहें डॉक्यूमेंट की लास्ट लाइन पे तो उस टाइम पे कौन सा शॉर्टकट की हमें इस्तेमाल होता है दैट इज कंट्रोल प्लस एंड क्लिक करते ही हम अपने डॉक्यूमेंट के लास्ट वाले लाइन पे आ जाते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम विच आर कैन बी यूज टू सिलेक्ट दर डॉक्यूमेंट अगर हमें पूरा डॉक्यूमेंट एक ही बार पे सिलेक्ट करना है तो हम कौन सा ऑप्शन दबाएंगे दैट इज द कंट्रोल प्लस ए तो पूरा डॉक्यूमेंट पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट जितने भी पेज होंगे सब सिलेक्ट हो जाएगा और एक ही बार आप कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो बोल्ड करना है इटा कुछ भी तो आपका अगला क्वेश्चन जो है दैट इज शॉर्टकट की कौन सा है कि हम जिसमें सेंटर पे चले जाएं अगर हमने कोई सेलेक्ट किया है और uh, कोई वर्ड कोई भी सेंटेंस उसको सेंटर में लाना है तो उसके लिए हम अगर कंट्रोल ई -E प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर में जाता है ये आई बी पी एस टू में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन जो इस सेशन का रहेगा अपना न्यू फाइल ओपन करने के लिए सिर्फ एमएस वर्ड की बात कर रहे हैं तो शॉर्टकट की क्या यूज होगा तो न्यू फाइल ओपन करने के लिए हमेशा शॉर्टकट की जो यूज होता है दैट इज द कंट्रोल प्लस एन तो ये था हमारा आज का सेशन जो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बेसिस पे था तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें